सुप्रभात बच्चों, आज आपके सामने बहुत दिन बाद कोरोना के महामारी में आज वीडियो क्लासेस लेकर उपस्थित। इसमें आपको मैं दिए गए अध्ययन सामग्री के अंतर्गत जो भी आपको कठिनाई आती हैं, जो भी मुसीबतें आती हैं, उसको हल करने का प्रयास करूंगा। आप लोगों के बीच मैं पार्ट दो प्रायश्चित के आंसू नामक शीर्षक लेकर यहां पर उपस्थित हूं। प्रायश्चित के आंसू, प्रायश्चित का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्रायश्चित क्या होता है। आपके मन में होगा कि प्रायश्चित क्या होता है, तो ग्लानिवश किया गया जो कठोर, जो आप ग्लानि करते हैं, कोई अगर कार्य को ऐसा कर देते हैं जिससे आपको ग्लानि हो, तो आप कह सकते हैं कि ग्लानिवश किया गया कठोर आचरण ही क्या कहलाता है, प्रायश्चित। ग्लानिवश किया गया कठोर आचरण, ग्लानिवश किया गया कठोर आचरण ही प्रायश्चित कहलाता है। इस पाठ में मुख्य पात्र को अगर देखें तो महात्मा गांधी है। यह कहानी महात्मा गांधी की एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें जो है उनके बचपन में किए गए कार्यों का उल्लेख है, और हम कह सकते हैं कि जैसे आप लोगों के द्वारा किए गए कुछ ऐसी गलती जो आपके जीवन भर यादगार बन जाते हैं, उसी तरह हम पा सकते हैं कि महात्मा गांधी ने भी अपने बचपन में ऐसी गलतियां किए थे। अगर हम देखें तो 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपने नौकर की जेब से कुछ पैसे चुराकर जो है बीड़ी में वो खर्च किए। उन्हें जो है कुछ ऐसी आदतें लग गई थी जिसके कारण पैसा चुराना पड़ा, और अभी जो है 13 वर्ष की जो गलती है, भूल है, उसी को जो है आप सोच रहे हैं कि ये गलती हम कैसे, इस गलती का कैसे हम प्रायश्चित करें। अभी उस गलती को ही सोच रहे हैं तब तक ऐसा एक और घड़ी आ जाता है 15 वर्ष में। 15 वर्ष में उनके जो बड़े भाई रहते हैं उनके द्वारा किसी से कर्ज लिया गया, और उस कर्ज की चुकती कैसे करें ये दोनों लोग सोचने लगते हैं, और उनके बड़े भाई जो है एक बाजूबंद पहनते थे। बाजूबंद में जो है उस समय का उल्लेख है कि उस बाजूबंद में जो सोने का कुछ हिस्सा लगा हुआ था, जिसको क्या है कि उन्होंने तोड़कर सुनार के दुकान पर जाकर बेच दिया। जो भी पैसा मिला उससे उन्होंने अपने कर्ज को चुकता कर दिया। अब यह हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी द्वारा दो गलतियां हो, और वो बार बार सोचते हैं कि अब इस गलती का कैसे हम प्रायश्चित करें, और उनके मन में अगर पिताजी से कहते हैं तो पिताजी द्वारा कहीं उन्हें डांट न मिले, उन्हें मार न मिले, इसके डर से वो नहीं कुछ कहते। लेकिन फिर भी उन्हें अंदर ही अंदर एक ग्लानि सताने लगता है कि अब हम कैसे क्या करें, इतनी बड़ी गलती हो गई, इस गलती का सुधार कैसे करें, क्योंकि वो गलती को ही सुधार कर एक सच्चे राष्ट्रपिता बने थे। और जो भी वो कार्य करते थे कभी वो झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन उनके द्वारा भी झूठ बोला गया बचपन में, और एक दिन वो निश्चय कर लेते हैं कि हम जो है इस गलती का जो है प्रायश्चित करके
उनके मन में जो है विचार आता है कि क्यों ना हम एक पत्र के माध्यम के द्वारा पिताजी से कहें कि पिताजी को दे दे और उनके द्वारा हमारे द्वारा वहां पर संदेश चला जाए और हमें जो है पिताजी के समक्ष कुछ कहना भी ना पड़े। वो अपनी सारी घटनाओं को क्रम से जो है लिख देते हैं उस पत्र में और उस पत्र में लिखते हैं और जो भी गलतियां जो 13 वर्ष में 15 वर्ष में जो उनकी गलतियां रहती हैं सारी गलतियों का उल्लेख कर देते हैं और कहते हैं लास्ट में अंत में वो कहते हैं कि पिताजी मेरे द्वारा की गई गलतियों का आप कठोर से कठोर सजा दे सकते हैं। और वो जाते हैं अपने पिताजी के पास और वह पत्र को पिताजी को सौंप देते हैं और उसी उन्हीं के पादाने के पास बैठ जाते हैं और देखते हैं कि पिताजी उस पत्र को पढ़ रहे हैं। उनके द्वारा जो है पत्र पढ़ा जा रहा है और उनकी आंखों से आंसू की धारा बहती चली जा रही है। अब सोच रहे हैं कि पिताजी हमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमारे मन में अनेकों ख्याल आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। उस पत्र को पढ़ते ही पिताजी पिताजी का हमारे प्रति प्रेम और बढ़ गया। उस प्रेम और आंसू से ही मेरा जो है पाप क्या धुल गया और मुझे जो है ऐसा लगा कि मुझे एक नई जीवन मिल गया। और इसी के साथ साथ उन्होंने कई सारी अपनी गलतियों को स्वीकारा और उसका जो है प्रायश्चित किया और इस कहानी में जो है प्रायश्चित किया आंसू और जो आंसू उनके द्वारा आ रहे थे रो रहे थे इन सारी चीजों का उन्होंने अपने कहानी में उल्लेख किया कि हमने कैसे अपनी छोटी सी गलती का क्षमा मांगा। बस बंद करिए।